हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल था द्विवेदी ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये रात के 10 बज चुके थे और अर्थर को भी जल्दी सुलाना था क्योंकि सुबह जल्दी जाता है, बट उसने रात को बताया कि मेरा प्रोजेक्ट है और वो मैम ने बोला है कि अपनी मम्मा से हेल्प कर लेना, पर वो छोटा है, उसको इतना नहीं आता है कटिंग वटिंग करना, और उसको क्रिसमस आ रहा है तो उसी का क्रिसमस ट्री बनाने के लिए इसकी मैम ने बोला था, तो वही मैं उसका बना रही हूँ जल्दी से। और क्योंकि रात भी काफ़ी हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 से ज़्यादा ही टाइम हो चुका था, और अथर्व को भी सुलाना था क्योंकि उसका बन रहा था प्रोजेक्ट, तो वो भी नहीं सो रहा था, मस्ती कर रहा था। तो देखिए, ये मैं बना रही हूँ अथर्व के लिए। तो थोड़ा मैंने यूट्यूब से देखा, और मैं इसके पहले भी आर्ट एंड क्राफ्ट ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत इसी स्कूल में, पहले इसके स्कूल में गोवा में पढ़ता था तो बहुत अच्छे से सिखाया जाता था, तो मैं करती थी इसके आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये देखिए, मैं अथर्व के लिए बना रही हूँ क्रिसमस ट्री स्कूल में ले जाने के लिए। तो फ्रेंड, बताइएगा कैसा बना है। इतना अच्छा तो नहीं आता है, बट देखिए मैं ट्राई कर रही हूँ क्रिसमस ट्री बनाने का। और इतना सामान भी नहीं था घर में, एकदम से ऐसे बताया उसने, पहले नहीं बताया था कि इसको डेकोरेशन के लिए भी सामान कुछ ले लो, तो पहले ऐसे ही थोड़ा बहुत ऐसे सजाया था, और बाकी अथर्व ने इसको डॉट डॉट ऐसे पेंसिल कलर पेंसिल से सजाया था। तो देखिए, ये हम बना रहे हैं। बहुत ही ईजी था फ्रेंड, इतना नहीं लग रहा था क्योंकि 1 साल हो गए मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट छोड़े हुए। इसके पहले मैं 2 साल कंटिन्यू करी थी क्योंकि अथर्व के पुरानी वाली स्कूल में ये बहुत कराया जा रहा था, तो मुझे करना ही पड़ता था, बना के भेजना पड़ता था अथर्व के स्कूल में। तो देखिए कैसा बन रहा है मेरा। और मैंने एक ही साइज़ के सर्कल काट लिए थे, तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ा क्योंकि उसे ट्री बनाना था क्रिसमस ट्री, तो छोटा छोटा करते जग गई बार बार, तो और गम से चिपकाते भी गई, पर जब चिपका रही थी तो जल्दी जल्दी निकल भी रहा था, गीला था, सूख नहीं पा रहा था। तो ये देखिए,